भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट AISM से बनी सेफ्टी ऑफिसर करें नेशनल और इंटरनेशनल सेफ्टी कोर्स एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के गाइडेंस में 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ। संपर्क करें AISM एहसन मार्केट विशाल मेगा मार्ट के पास सिवान। चुनावी रंजिश को लेकर पथराव, 6 लोग घायल। दीपावली की रात पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। स्थानीय थाने में एक दूसरे पर दर्ज कराई FIR। जिले के बढ़हरिया थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में दीपावली की रात पटाखा फोड़ने व चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद पथराव में तब्दील हो गया। इस घटना में लगभग 8 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रानीपुर के रामेश्वर यादव के परिजनों के साथ राकेश यादव व जयशंकर यादव के परिजनों के साथ चुनावी रंजिश के कारण पटाखे छोड़ने को लेकर पहले विवाद हुआ था, फिर कुछ ही देर में विवाद पथराव में तब्दील हो गया। पथराव में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन देकर एक दूसरे को मारपीट का जिम्मेदार ठहराया है। एक पक्ष का आरोप है कि रामेश्वर यादव का 48 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र कुमार यादव दरवाजे पर खड़ा था, उसी समय दूसरे पक्ष ने अचानक धावा बोल दिया। उन्होंने मुखिया प्रत्याशी रविशंकर यादव के परिजनों सहित करीब दर्जन भर लोगों को आरोपित किया है। दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष के रामेश्वर यादव सहित 8 लोगों को आरोपित किया है। बताया जाता है कि पथराव के दौरान जयशंकर यादव का पुत्र वीरेंद्र कुमार यादव उम्र 22 वर्ष व रामेश्वर यादव का पुत्र धर्मेंद्र कुमार यादव उम्र 48 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय PHC में किया गया, जिसमें वीरेंद्र का इलाज सदर अस्पताल में किया। थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि दोनों पक्षों का आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। वहीं रोहड़ा कला में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, इस दौरान 6 लोग घायल हो गए, जिसमें रोहड़ा कला तराना परवीन, अमजद अली, आसिफ अली, नुरतारा खातून व दूसरे पक्ष के महफूज आलम व इश्तियाक अली घायल हो गए। घायल सभी का इलाज स्थानीय PHC में किया गया। न्यूज इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।